हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लैन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जीके की बहुत महत्वपूर्ण नीलाम जब प्रतियोगिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों मैं इतिहास सामान्य विज्ञान की नई वीडियो लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लैन स्टडी को। सब्सक्राइब करें, शेयर करना और लाइक करना, बेल आइकन ना भूलें, जिससे मैं नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो है ओलंपिक 2021। तो ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं जापान में। तो देखिए इसके बारे में बताते हैं आपको पूरे। टोक्यो जापान 30 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। ये देखिए कब तक होंगे? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले जापान में 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले कितना? 3 बार, 1964, 1972, 1988 में इसका आयोजन किया जा चुका है। अपना अगला है ओलंपिक 2021 खेलों के शुभंकर कौन है? तो देखिए वो हैं मिराई तोवा। कौन है? याद रखिए, मिराई तोवा। पैरा ओलंपिक 2021 खेलों के शुभंकर कौन है? तो ये हैं सोमा आईटी। कौन है? सोमा आईटी। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है इस बार ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, तो याद रखिए। और ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? वो होगा पेरिस में। पूछा जाता है कि 2024 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा, किस देश में? तो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस में। पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 1896 में। ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला शामिल कब हुई थी? ये हुई थी 1900 में पेरिस ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? देमित्रिस बिकेलस, देमित्रिस बिकेलस थे। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह लुशाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? लुशाने स्विट्जरलैंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 जुलाई 1894 को, सॉरी सॉरी 23 जून 1894, सॉरी 23 जून 1894 को हुई थी। ओलंपिक खेलों के अध्यक्ष 2021 कौन है? वो हैं थॉमस वाक, थॉमस वाक हैं। भारतीय ओलंपिक खेल के अध्यक्ष 2021 कौन है? वो हैं नरेंद्र बत्रा। भारत ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1927 को। भारत ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है नई दिल्ली में। ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। भारत ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोरावजी टाटा थे। ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो वो हैं एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम में ये हैं मुक्केबाज और जो मनप्रीत सिंह है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन? बजरंग पुनिया। ये कौन है? ये पहलवान है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, कौन होंगे? वो हैं मरियप्पन थंगावेलु। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से 228 दल भाग ले रहे हैं, जिसमें 119 खिलाड़ी हैं। 119 में 47 पुरुष हैं, 72 महिलाएं हैं, जो कि 85 पदक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। कितने? 27 पुरुष और 72 महिलाएं। अब देखिए, आपने देखा वाला ओलंपिक का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है कुछ, उसमें 5 छल्ले होते हैं, इस तरह होता है कुछ। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, जो नीले रंग का छल्ला होता है उसका होता है
यूरोप, ये सारे महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पीले रंग का छल्ला दिखाता है एशिया महाद्वीप को, काले रंग का होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को, और हरे रंग का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और लाल रंग का अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।